रांची के ध्रुवा में बन रहे पीएम की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाइट हाउस के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। आपको कई शर्तों के साथ पहले 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि पहले कहा गया था कि इसमें आसपास के लोगों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अब पूरे राजधानी के लोगों को शायद इसके लिए आमंत्रित कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने लाइट हाउस परियोजना की नींव रखी, जिसका विरोध लगभग 167 दिनों तक हुआ। हालांकि चारों ओर से घेराबंदी और भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती के बाद काम तो शुरू हुआ, लेकिन अब गरीबों के आशियाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 नजराने की मांग की गई है। लाइट हाउस में वही लोग आ सकते हैं जो 5,000 का डीडी दे सकते हैं। 5,000 डीडी तो देना मस्ट है, क्योंकि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए उस कैटेगरी के लोगों को वहां बैठाना है। क्योंकि जिसके पास 5,000 का डीडी नहीं हो, उससे कम वाले लोग एलआईजी एमआईजी में चले गए हैं। और अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तो ऑलरेडी हम लोग ने जब शिलान्यास का कार्यक्रम चला, उससे पहले ही सारा डिटेल बता भी दिए हैं। आपके माध्यम से भी चला गया है, न्यूज के माध्यम से, और व्यक्तिगत लोग भी जान रहे हैं, और 1 तारीख से शुरू हो गया है। हालांकि बात तो ये हुई थी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट गरीबों को दी जाएगी। अब जहां ये बन रहा है वहां पर ही लगभग 50,000 से ज्यादा झोपड़ीनुमा घर हैं। ऐसे में ढिंढोरा पीटकर पूरे शहर को आमंत्रण दे दी जा रही है और नजराने के तौर पर 5,000 की मांग भी की जा रही है। आलम यह कि राजधानी के हर इलाके से और हर तबके के लोग इस फ्लैट को लेने की तरकीब लगा रहे हैं। ऐसे में बस्ती वासियों का विरोध लाजमी नजर आ रहा है। मैंने उसका विरोध दर्ज किया है और मैं बोला हूँ अगर आप अभी अगर बनाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन कानूनन मैं आपको हराऊंगा वहाँ पे, क्योंकि 13 लाख रुपया में बन रहा है। बताइए 13 लाख रुपया में 50% सरकार देगी, कहाँ पाएंगे? यहाँ में से किनके पास 7 लाख रुपया है? कमाने खाने वाले लोग हैं और 5,000 रुपया उनके पास है ही नहीं, वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? और जो क्राइटेरिया मांगा गया है, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उसके साथ साथ बोला गया है कि जो विकलांग हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैंड टू माउथ के कंडीशन है। डेली कमाएंगे तो उनका चूल्हा जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ऐसे में इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कई सवाल है। सवाल ये कि जो गरीब आपकी योजना के अनुसार 5 किलो चावल से गुजर बसर कर रहे हैं, वो 5,000 कहाँ से लाए? News 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन मंटू यादव के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट।